बाइबल की कहानियों नामक इस धारावाहिक में आपका हार्दिक स्वागत है हम इन कार्यक्रमों में हम आपको उन बातों के बारे में बता रहे हैं जो बाइबल से हमारे व्यवहारिक जीवन की दिनचर्या से संबंधित हैं हम आपको मोजेस की कहानी सुना रहे हैं किस तरह मोजेस ने किस तरह उसका जन्म हुआ किस तरह उसने बर्निंग बुश में परमेश्वर की उपस्थिति पाई किस तरह परमेश्वर ने उसे भेजा किस तरह फिर उनके लोगों पर प्लेग लाए गए आप पिछले प्रोग्राम में देख रहे हैं आज हम आपको बताते हैं किस तरह है आखिर में जो इस मिस्र के पहलोटे मर गए और उन्होंने सोना चांदी देकर भैया निकलो यहाँ से तुम तो यहाँ हमारे लिए हाँ। बहुत बड़ा शाप हो और किस तरह से वो निर्गमन की आगे कूच कर गए क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो हमेशा हमारे जीवन में होता है जो लोग उसका विरोध करते हैं वो उसके आगे खड़े नहीं हो सकते बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर आइए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं निगमन की पुस्तक उस बारह का इकतीस है तब फिर ने रात ही रात में मूसा और हारून को बला बुलवा कर कहा जो हार था उसको आरन कहते अंग्रेज़ी में वो मोजस का भाई था तुम इसराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यह की उपासना करो क्योंकि मोजिस ने उनको ये बोला था कि हम सारे का सारा देश यहवा की पर जीवित परमेश्वर की उपासना करेगा अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियाँ और गाय बैलों को साथ ले आओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ मिश्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं उन्होंने इसराइल लोगों पर दबाव डालकर कहा इस देश से झटपट निकल जाओ तब उन्होंने अपने गूंदे गुँधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया ऐसे हम अंग्रेजी में पास ओवर कहते हैं उनका जो आटा था क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने बोला यहाँ से जाओ भैया तो तुम लोग तो हमारे लिए बहुत दुख का कारण हो लेकिन वो दुख का कारण वो लोग नहीं थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके लोगों को जाने नहीं दिया तब तो उन्हें अपने अपने गुंदे गुंधाए आटे को बिना खमीर दे ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांध कर अपने अपने कंधों पर डाला इसराइलों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्र से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो भी मांगा सब का सब मिस्रियों ने उनको दे दिया इस प्रकार इसराइलियों ने मिस्रियों को स्पॉइल किया अगला है इसराइल का मिस्र देश छोड़ना तब इसराइली रामसे कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़कर वह कहीं छः लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे सिक्स हंड्रेड थाउजेंड पीपल उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भीड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए और जो गूंधा आटा वह मिस से साथ ले आए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए हुए रोटियाँ बनाई क्योंकि वे मिस से ऐसे बरबस निकाले गए थे कि उन्हें इसका अवसर भी नहीं मिला था कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सकें इस कारण वह गूंधा हुआ आटा बिना खमीर का था मिस्र में बसे हुए इसराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई थी यहोवा इसराइलियों को मिस देश से निकाला इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है में यहोवा की वहरात है जिसका पीढ़ी से पीढ़ी तक मानना इज़राइल के लिए अवश्य होगा फिर यहोवा ने मूसा मूसारहारों से कहा पर्व की विधि यह है कोई परदेसी उनमें से ना खाए पर जो कोई किसी का मोल लिया वह खाता दास हो वह तुम लोगों ने उसका सेरेमनी किया है और वह जो उससे खा सके पर परदेसी का मजदूर उनमें से ना खाए उसका खाना एक ही घर में अर्थात ये बस इस तरह से कहानी है ये हम जब बता रहे हैं कि इसराइल के लोगों को परमेश्वर की स्वतंत्रता मिली मुझे और आपको भी प्रभु यशो मसीह ने सूली पर जाकर पाप से स्वतंत्र किया है इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं इसलिए हम कलेसिया में जाते हैं परमेश्वर की संगति में भागीदार होते हैं इसलिए हम होली कम्युनियन लेते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह इज़राइल के लोगों को निकाला मिस्र की ग़ुलामी से हम, हम उसी तरह परमेश्वर ने मुझे और आपको भी पाप की ग़ुलामी से निकाला क्योंकि मिस्र एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है कि हमने जीवन में पाप किए हैं बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है बाइबल ये भी कहती है कि ऊँट जो है वो सुई के छेद से निकल सकता है लेकिन पापी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता हमारे जीवन की दुविधाओं हमारे जीवन के संकटों का एक कारण पाप भी है जब हम परमेश्वर की कृपा से दूर हो जाते हैं जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं बाइबल में लिखा है कि जो आदमी अपने पापों की क्षमा मांगेगा वो बच जाएगा जो अपने पापों को कन्फेस करेगा वो आगे पर, परमेश्वर उसको क्षमा कर देगा बाइबल एक करुणा मई परमेश्वर की कहानी है जो हमें क्षमा कर देता है ये जो मोजेस की कहानी है ये जो मिस्र देश से निकल आने की कहानी है वो हमारे जीवन की भी कहानी है वो इस तरह की कहानी है कि हम जीवन में हमने बहुत गलतियाँ की अज्ञानता क्योंकि बहुत से हमारी विचारधाराएँ हमारी परिस्थितियाँ हमारे ऊपर मीडिया का प्रभाव हमारी एजुकेशन हमारे पुराने रूढ़ीवादी विचार और हमारे माँ बाप से हमारे पिछले जन्मों पिछले जो कहना चाहिए पिछले जीवन के शाप और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी शाप अजीब तरह की परिभाषाएं हमारे जीवन में उन सब से सबसे मसीह हमें मुक्त कर सकते हैं क्योंकि बाल में लिखा है कि पाप का अंगीकार करना चाहिए यशो मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना चाहिए जब आप करेंगे जब आप उसकी उपासना उसकी आराधना करनी शुरू कर देंगे जब आप उसका धन्यवाद करना सीखेंगे जब आप उसका वचन पढ़ना सीखेंगे जब आप उसने लहू की प्रोटेक्शन को अपने ऊपर रखेंगे क्योंकि यशो मसीह का लहू हमें हर पाप से मुक्त करता है बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने इस धरती पर अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि हमारा तिरस्कार हो या हमें कंडेम किया जाए बल्कि उसने इसलिए भेजा कि हमारा हम पाप क्षमा मांग कर उसके अप्रूवल को पा सकें और उसके साथ चल सकें बाइबल के परमेश्वर का नाम इमैनुअल है इमैनुअल का मतलब गॉड विद अस बाइबल के परमेश्वर का नाम वंडरफुल काउंसलर है एक अद्भुत तरीके से हमें सलाह देने वाला वो हमें जीवन की हर परिस्थितियों में सलाह दे सकता है वो हमें जीवन में हमारी परिस्थितियों से ऊपर उठा सकता है वो हमें कैप्टिव से कैप्टन बना सकता है हम उसके द्वारा पुराने जीवन से निर्गमन करके नए जीवन में आ सकते हैं ये सब संभव है क्योंकि बाइबल इसके बारे में कहती है जो बाइबल का वचन है वो विश्वसनीय है ये जो हम उदाहरण आपको हर चैप्टर से पढ़ के सुना रहे वो जो व्यवहारिक ज्ञान हम बाइबल की जो जो ये कहानियाँ हैं इसके अंदर एक व्यवहारिक ज्ञान है जिसको हम जीवन में ले सकते हैं क्योंकि बाइबल में बीजने और काटने का जो है दृष्टांत है जो मनुष्य जो बीजेगा वो काटेगा अगर आप अपना जीवन परमेश्वर की को ढूंढने में बीजेंगे परमेश्वर को धन्यवाद करने में बीजेंगे परमेश्वर के वचन का मनन करने में बीजेंगे परमेश्वर को घनिष्ठ संबंध बनाने में बीजेंगे तो आपके जीवन में पुराने जिंदगी से निर्गमन नए जीवन में हो जाएगा जहाँ आपको शांति मिलेगी जहाँ आपको सुख मिलेगा जहाँ आपको संपन्नता मिलेगी जहाँ आपको बहुतायत का जीवन मिलेगा जहाँ आपको अनंत जीवन मिलेगा बहुतायत का जीवन को आप मिस इंटरप्रेट मत कर दीजिए कि आप करोड़पति बन जाएगा बेशुमार दौलत हो जैसा कुछ नहीं होगा लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर आपको देगा वो सुख और शांति से देगा आपके जीवन में स्वास्थ्य होगा क्योंकि बाइबल का परमेश्वर स्वास्थ्य के लिए भी वायदे करता है संपन्नता के लिए भी वायदे करता है आपको आवश्यकता से अधिक आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा आपको और हर तरह के संकट से बचाएगा क्योंकि भजन संहिता इक्यानवे संकटों के बारे में बात करती है एक ऐसी टेस्टमनी है कि एक आदमी जहाज चला रहा था और उसकी जो पत्नी थी भजन संहिता इक्यानवे पढ़ती थी जो सुरक्षा की भजन संहिता है आप बाइबल खरीद के उस भजन संहिता के अध्याय में इक्यान में खोल के पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास बाइबल ऑलरेडी है तो भी पढ़ सकते हैं उसमें वो जो जहाज था एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसकी वाइफ दिन में सात बार भजन संगीता इक्यान में पढ़ती थी हालांकि वो व्यक्ति गिर गया पानी में समुंदर में उसका हेलीकॉप्टर गिर गया और उस गिरने के बाद वो तैरता रहा दो दिन लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ धीरे से वो किनारे पर लग गया हालांकि वो अनकॉन्शियस था लेकिन जो एम्बुलेंस आई और डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले गए और उसका जीवन बच गया मेरे दोस्तों परमेश्वर के वचन के अंदर सुरक्षा की वायदे हैं परमेश्वर के वचन के अंदर संकट से निकलने के वायदे हैं परमेश्वर के वचन के अंदर सम्पन्नता के वायदे हैं परमेश्वर के वचन के अंदर स्वास्थ्य के वायदे हैं क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानना चाहते हैं जो आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है जिसकी उपस्थिति आपके जीवन में अपने आपका जो भूत है जिसमें दुख तकलीफ है उससे निकाल कर एक नई दिशा में ले जाए ये संभव है आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं आदरणीय पिता हम सब अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका पुराने जीवन से निर्गमन हो एक नए जीवन में आप ले जाओ उनको वो उनको अंदर विश्वास की आत्मा को का प्रकाश दो जिससे प्रभु वो जान सकें कि आप संकट से निवारण करने वाले अज्ञानता से निवारण करने वाले अपंगता जीवन की हर अपंगता और अराजकता से निवारण करने वाले परमेश्वर हो प्रभु आपने इस धरती पर अपने पुत्र को दिया है और जो शैतान ने प्लेग हमारे जीवन में है उन सबको ख़त्म करने का आपने अपने ऊपर प्रभु शाप जो था सब सारे के सारा आपने ऊपर ले लिया और हमारी अपंगता और दुख तकलीफ़ को आपने ऊपर ले लिया जिससे प्रभु हम सुख की जिंदगी बिता सकें प्रभु हम हम सब दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की जो भी परिस्थितियाँ वो आपके पास लाएँ प्रभु वो आपको जाने और प्रभु वो अपनी संस्कृति उससे कूच करके तेरे वचन की तेरे राज्य की नई संस्कृति में प्रवेश करें जिससे प्रभु उनका उद्धार हो और प्रभु वो जीवन की हर परिस्थिति में संपन्न और सुखी हो पाए प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम से मांगता हूँ आ